के की मतलब 6000 टन की पर डे की रिक्वायरमेंट है सिंगल प्लास्टिक, उसको पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो मे बी 10,000 टन बैठता पर डे। एग्जिस्टिंग चल रही है, एग्जिस्टिंग चल रही है, उनकी कैपेसिटी ऑलरेडी 80-90% चल रही है। 80-90% चल रही है ना, बस आप बात समझिए। इसमें डिमांड, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सारा इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत स्लो डाउन जा रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अभी इस तरफ कोई स्टेप अभी नहीं लेने जा रही, मतलब कि भाई बिजनेस को रिवाइव कर सके, ठीक है ना। अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक वाली को जो गवर्नमेंट बैन करने के लिए जा रही है, इम्पैक्ट आएगा, नो डाउट 100% आएगा इम्पैक्ट, लेकिन इतना ज्यादा जो रनिंग इंडस्ट्री उन पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग हैवियर जीएसएम। और जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं वो लाइन है लाइटर जीएसएम की, ठीक है ना। लाइटर जीएसएम में हम अपनी मशीन को अगर हम चलाएंगे तो आज इजीली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी उस हिसाब से घट जाएगी। हाँ, कोई नया सेटअप लगाना चाहिए तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प हिम, दिस इज द मेन पॉइंट। डेफिनेटली फर्क आएगा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने से, 100% फर्क आएगा। और मैं कहूँ पेपर इंडस्ट्री के लिए आज से फर्क आया नहीं, नेशनल जो हम एक आज क्लीननेस का एक पॉइंट जो लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से वो फर्क मैं समझता हूँ ज्यादा मायने रखता है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई नए ट्रेंड्स क्या देख रहे हैं, मतलब कोई नए ट्रेंड्स देख रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कंटिन्यूअस, मतलब दैट मिल विल बी सर्वाइविंग हु इज डूइंग दिस मॉडिफिकेशन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मतलब इतना फास्ट डेवलपमेंट प्रिंटिंग लाइन में है, इतना फास्ट डेवलपमेंट पैकेजिंग लाइन में है, मतलब वी कांट सर्वाइव इफ वी डू नॉट मैच देयर स्टैंडर्ड्स, दैट इज द मेन पॉइंट। अब सर टेल मी अबाउट योर ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान। हमारा अभी हम लोगों ने अपना यूनिट में सॉफ्ट निप कैलेंडर्स लगाए हैं, उससे हमारी क्वालिटी में काफी ड्रेस्टिकल चेंजेस आए हैं, पेपर में स्मूथनेस लेवल बढ़ा है, फ्लैटनेस बढ़ी है, और एक हमारा अभी मेजर एक्सपेंशन आ रहा है मॉडर्नाइजेशन का, शू प्रेस का आजकल जमाना है। वी हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड दैट इक्विपमेंट, ऑलरेडी अराइव्ड इन आवर मिल, एंड आफ्टर दिवाली वी आर गोइंग टू टेक शट डाउन। इंपैक्ट नजर आएगा फाइनल पेपर पे, इस पे पेपर की क्वालिटी इंप्रूव होगी और थोड़ा बहुत ये प्रोडक्शन में हेल्प करेगा बढ़ने पे। पेपर की क्वालिटी डेफिनेटली will be on higher side. Okay, Sidharth Papers अभी future में any expansion plan कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने एक अपना craft paper को duplex पे already convert किया, we are going to establish that product. When all the things are settled down, then we will think. Okay. हाँ, नियर फ्यूचर में हमारा थोड़ा सा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने का प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर भी आ रहे हैं, हमारे सन्स आ रहे हैं, दूसरे पार्टनर उनके सन आ रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक सम प्रोजेक्ट फॉर देम। कुछ चीजें दिमाग में चल रही हैं, बट वी कांट वर्क इन ऑन पेपर, तो हमारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो करने का प्रोग्राम है उसको लेके हम लोग जरूर मतलब कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हमारे एंड पे चल रही है, बट इट विल टेक अ ईयर एटलीस्ट। अभी गवर्नमेंट ने अभी जो कॉर्पोरेट टैक्स को 30% 22% पे रिड्यूस, कितना फर्क पड़ने वाला है, तो इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखिए लिक्विडिटी में कुछ जो 25% कॉर्पोरेट टैक्स देने वाली कंपनी कितनी थी ऑल ओवर इंडिया पे, उन्हें ना 25 कर दीजिए 30 कर दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिडिल मैन के लिए जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पुअर मैन के लिए जब तक कुछ नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। आज मेजर सेगमेंट हम जैसे लेवल की इंडस्ट्री का है, आज हमारे को वो दे टैक्स रिलीफ तो हमें एकदम से फर्क पड़ेगा, बूस्टअप होएगा। जो ये कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, मान ली किसी का 3% कमा, जो 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है उसके 3% में क्या मायने रखता है? नथिंग, हार्डली मैटर्स, दैट इज द मेन, दिस इज माई व्यू। हाँ, हम जैसी इंडस्ट्री के लिए कुछ मतलब कुछ रिबेट दें, कुछ इनकम टैक्स में रिबेट दें, कुछ सब्सिडीज दें, तो शायद हम लोगों को इंडस्ट्री में जान पड़ सकती है। और आई थिंक सबसे ज्यादा मतलब जीएसटी स्लैब शुड बी डाउन, जीएसटी रेट लिटिल हायर, मतलब स्मॉल कस्टमर आर टोटल आउट ऑफ द मार्केट, टोटल आउट ऑफ द मार्केट। ऑलरेडी उन्होंने एफपीटी ने ऑलरेडी पिच किया है कि जो स्लैब्स हैं 5, 12 हैं 8% को, हाँ जी, पुटा गिव द सिंगल स्लैब, यस, आपकी 12% पे रखी है। अभी इस तरह का भी तो 12 से भी मेरे हिसाब से कम करना चाहिए, 12 से भी कम करना, 12 से भी कम करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इट शुड बी 8%, यस। एंड गवर्नमेंट इज, इफ गवर्नमेंट इज एफरेड कि भाई आपका टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, नहीं होएगा कम आपका भाई, ठीक है, जैसे मैं आज 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, 8% कमने से मतलब वो 80 लाख हो गया, ठीक है ना। लेकिन जो छोटे कस्टमर वो भी तो आ जाएंगे ना मार्केट में, उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट का सिर्फ सोचने का फर्क है। अभी आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या जीएसएम रेंज रहती है, मिनिमम टू मैक्सिमम? हमारे दो प्लांट है, एक में 180 जीएसएम टू 260 जीएसएम, और एक प्लांट में हमारा 260 जीएसएम टू 550 जीएसएम। ओके, आजकल कुछ ट्रेंड देखने में आ रहा है, जैसे हमने बात करी है ऐसे लो जीएसएम मोटो, नहीं यहाँ पे जो जीएसएम है वो डेट इज अराउंड 60-40 जीएसएम बात चल रही है, 40 जीएसएम। नहीं, वो तो आप फिर क्राफ्ट लाइन की बात कर रहे हैं, क्या क्राफ्ट उसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल उसमें आज जैसे प्लास्टिक बैन होगा तो उसमें पोटेंशियल दिख रहा है सबको सामने, ऑब्वियसली, यस डेफिनेटली इट विल हेल्प। If any industry is going towards that lower GSM segment, definitely they will be gainer in the market in near future. Okay. जैसे अभी ये सर foreign companies market में अपना market search कर रही हैं, और they are planning to set up a big plant like APP and Nine Dragon from China. इसका मार्केट डायनेमिक्स में आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंपोर्ट को हैरेस करना चाहिए, अदरवाइज मतलब लोकल की इंडस्ट्री ऑलरेडी जो रिसर्च इंडियन इंडस्ट्री विल सफर। आज तो हम अपना ही नहीं सोच पा रहे, दूसरे का तो क्या सोचें, ऑब्वियसली
अभी सीन ये है नटशेल में, पर डायनेमिक सोचने के लिए इंडियन इंडस्ट्री के पास दिमाग तो होना चाहिए ना। अभी तो उसके सामने सर्वाइवल के लाले हैं, सर्वाइवल को सोच रहे कि वो कैसे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ऐसी कंडीशन है तो गवर्नमेंट का लॉब कैसे कर रही है बाहर से यहाँ लाने, बस गवर्नमेंट का यहाँ तक बात पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट सुन कर रही है, बिजनेसमैन की सुन कर, वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ मतलब साथ कर रही है ना सब काम, मतलब वो जो पॉलिसी डिसाइड होती है वो बड़े बिजनेस हाउसेस से हो रही है, मिडिल मैन का आज की तारीख में कहाँ सोच रही है गवर्नमेंट। अब बताइए आपको, आप तो भाई वर्ल्ड वाइड हैं, आपका मतलब जो भाई पूरे एशिया में होल्ड है, आपकी मैगजीन मतलब तरह तरह की रिसर्च करती है, आप खुद बताइए कि आप और लोगों से मिलते हो उनके क्या व्यूज आ रहे हैं उसमें। और भी पेपर मिल्स क्या है कि दे प्रेफर कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन से कोई घबराहट नहीं है, बट द पॉइंट इज दिस कि मतलब वी शुड गेट ऑल दोज फैसिलिटी व्हिच फॉरेन कंपनीज आर गेटिंग फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। मे बी इफ यू यू आर गोइंग टू सेट अप अ न्यू प्लांट महाराष्ट्र, तो दे आर रेडी टू गिव इंसेंटिव टू यू। व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव? बट आई एम लिविंग इन यूपी और उत्तराखंड, हाउ कैन आई गो देयर? पॉइंट इज दिस, हां दैट्स इट। फिर अगेन रीजन वाइज चैप्टर आ गया ना, दे आर कमिंग फ्रॉम द चाइना टू इंडिया, दे कैन मतलब दे आर वेरी ह्यूज सेटअप इंडस्ट्री। हिमाचल, दे आर मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनी नाउ, दे आर सिंगल सिक्किम गवर्नमेंट हैज गिवन सम इंसेंटिव टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी, सो दे आर शिफ्टेड टू फ्रॉम हिमाचल टू द सिक्किम। एग्जैक्टली, नाउ कन्वर्टेड, लुकिंग फॉर दे कैन उनके प्रोडक्ट में मार्जिन है। आज हमारी पेपर इंडस्ट्री में हमें ये भी देखना पड़ा, आज हम सिक्किम मान लीजिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है और हम वहाँ पहुंच जाते हैं, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलने वाला वहाँ पर, तो हम माल कहाँ से? वो सेंटर इज नॉट सो मतलब सुटेबल फॉर दिस पेपर इंडस्ट्री। ओके, पेपर इंडस्ट्री आज की तारीख में वहाँ सूट करती है जहाँ पोर्ट पास में है। अभी रॉ मटेरियल की क्या पोजीशंस है मतलब पेपर इंडस्ट्रीज में? रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट इतना सस्ता नहीं होता तो इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। सुनने में आ रहा है कि जो इंपोर्ट हो रहा है इसमें डेब्रिस बहुत ज्यादा आ रहा है, कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कितना परसेंट अनशॉर्टेड आ रहा है, मतलब हम लोग तो इस तरह का माल ही लेते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है इस तरीके के माल का। हम लोग नॉर्मली इस तरीके का माल लेते हैं कि जो कचरा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है लेबर को लेके कि मतलब हम वो थ्रू आउट मतलब जब उसमें माल में छाटें, छटाई करें, कुछ करें। जो लोअर प्राइस जो मटेरियल आ रहा है वो एक इंडस्ट्री वो एक टाइम पे आया था, मेरे ख्याल था वो कोई इंडस्ट्री वाला उसको मतलब वाइबल नहीं समझ रहा उसको लेना। नहीं, अभी भी जैसे बहुत से कुछ आ रहे हैं। वो देखो पर्सनल मैटर है, मतलब जो वो 80% इज रिसाइकल पेपर मिल्स, यस आई नो, मतलब जो थ्रू आउट निकलते हैं मतलब, लेकिन वी आर नॉट परचेजिंग दैट मटेरियल, तो वी कांट कमिट। नेक्स्ट ईयर में क्या मतलब क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट? नहीं, मैं अभी ग्रोथ के नाम पे मैं अभी कुछ भी सस्पेक्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, लाइटर ग्रामेज का मार्केट बेसिकली फॉर एनवेलप्स, फॉर कैरी बैग्स, इस लाइन में मतलब जरूर डेफिनेटली ग्रोथ दिख रहा है, और अच्छा ट्रिमेंडस ग्रोथ दिख रहा है। अच्छा, यस, लाइटर जीएसएम में और मतलब कैरी बैग्स के लिए जितने भी हाई बीएफ के मतलब जो उसमें, क्योंकि ताकत चाहिए पेपर को हैंडल करने के लिए, उसमें वेट हैंडल करने के लिए, तो उसमें मेरे को ग्रोथ दिख रहा है कि हाँ आराम से सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगा। डुप्लेक्स में सर क्या रहेगी? नहीं, मार्केट इज नॉट बैड, मतलब ये कि थोड़ा सा ओवर प्रोडक्शन की तरफ या ये कह लिए कि डिमांड थोड़ा सा कम चल रही है इसलिए थोड़ा सा वरीड है, अदरवाइज मतलब ऐसे कोई फ्यूचर खराब नहीं दिखाई दे रहा है। फ्यूचर तो ब्राइट ही है, फ्यूचर हाँ एसएच ब्राइट है, नो इशू आई थिंक। थैंक यू।